टर्की और सीरिया में सोमवार को आए भूकंप से तबाही मची है। तबाही के मंजर के बाद दुनिया भर के देशों ने एकजुटता देखते हुए सीरिया और तुर्की को मदद की पेशकश की। दुनिया भर के देश राहत सामग्री और बचाव दल तुर्की को भेज रहे हैं। भारत भी ऑपरेशन दोस्त के तहत दोनों देशों की मदद कर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान ने इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की, जो उल्टा पड़ गया। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने तुर्की के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए राजधानी अंकारा की यात्रा की घोषणा कर दी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप प्रभावित तुर्की ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक स्तर पर झटका देते हुए शाहबाज शरीफ की मेजबानी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को तुर्की का दौरा स्थगित करना पड़ गया। मेजबानी करने से किया इनकार। विनाशकारी भूकंप के अगले दिन पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ तुर्की यात्रा के लिए कल सुबह अंकारा रवाना होंगे। इस दौरान भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान और तुर्की के लोगों के लिए वो राष्ट्रपति अर्दुआन के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे। इसी कारण से गुरुवार को बुलाई गई APC की बैठक को स्थगित किया जा रहा है। सहयोगी दलों के परामर्श के बाद नई तारीख की घोषणा की जाएगी। हालांकि उनके ट्वीट के कुछ घंटों बाद ही तुर्की के प्रधानमंत्री के पूर्व विशेष सहायक आजम जमील ने ट्वीट करते हुए पाकिस्तान के PM शाहबाज शरीफ की मेजबानी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, तुर्की इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने देश के नागरिकों की देखभाल करना चाहता है, इसलिए कृपया राहत कर्मचारियों को ही भेजें। पाकिस्तान ने तुर्की यात्रा रद्द करने के पीछे कही ये बात। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की तुर्की यात्रा रद्द होने के पीछे का कारण भूकंप के बाद चल रहे राहत कार्य और खराब मौसम को बताया। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा, भीषण भूकंप के बाद चल रहे राहत कार्य को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का दौरा स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने भाई देश तुर्की के भूकंप पीड़ितों को उनके कठिन समय में साथ देने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष स्थापित करने का फैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट ने राहत कोष में एक महीने का वेतन डोनेट करने की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री ने हमारे भाई देश तुर्की की उदार मदद करने की अपील की है। पाकिस्तानी मीडिया ने ये वजह दी। पाकिस्तानी अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द ट्रिब्यून एक्सप्रेस के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को तुर्की के लिए रवाना होना था, लेकिन खराब मौसम और राहत बचाव कार्य के चलते तुर्की की व्यवस्थाओं को देखते हुए यात्रा स्थगित कर दी गई। PM शाहबाज की यात्रा पुनर्निर्धारित होने की उम्मीद है और नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। शाहबाज शरीफ ने जताया था शोक। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा था कि तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के 24 घंटे बाद मौत और विनाश के दृश्य दिमाग को सुन्न कर देने वाले हैं। बड़े पैमाने पर सामने आई मानवीय त्रासदी को देखकर दिल टूट जाता है। पाकिस्तान ने भी की है तुर्की की मदद। पाकिस्तान ने भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए 21 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के प्रवक्ता के अनुसार NDMA की ओर से PIA की दो उड़ानें बुधवार सुबह इस्लामाबाद से इस्तांबुल और दमशीक के लिए रवाना की गई थी। उन्होंने कहा कि PIA की उड़ानें PK-705 और PK-9135 क्रमशः 7.4 टन और 14 टन कार्गो भूकंप राहत सामग्री लेकर इस्लामाबाद से इस्तांबुल और दमिश्क के लिए रवाना हुई है। दमिश्क को भेजी गई 14 टन सहायता में सर्दियों के टेंट और कंबल भी शामिल हैं। दोनों देशों में है अच्छी दोस्ती। तुर्की और पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी दोस्ती है। दोनों देशों के बीच रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। यहाँ तक कि दोनों देश रक्षा और व्यापार क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। अर्दवान और तुर्की के विदेश मंत्री भी संयुक्त राष्ट्र में कई बार कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं।